हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जेएमसी की मैं रविशंकर आप लोगों का बहुत बहुत फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। आज मैं लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 3rd का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा समझ में आए। और हाँ, डायरेक्ट वीडियो के लिंक और नोट्स को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि एक्सेल को, जो भी हम लोग एक्सेल में लिख रहे हैं उसमें किसी भी सेल को एडिट कैसे करेंगे, किसी भी लिखे हुए कंटेंट को चेंजिंग कैसे करेंगे, उसमें अल्टरेशन कैसे करेंगे। तो चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटा वाला सेल होता है, चूंकि ये सारा वीडियो मैंने आपको पहले ही बता रखा है और इन सबों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे मेन्यू बार हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सब हमारे कुछ टूल बार्स हैं, इन सबों के बारे में मैंने बता दिया था आपको। और यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं पूरा हमारा क्या है, सीट है ना, एक्सेल सीट है, जिसमें हम लोग, ये हमारा स्पेस एरिया है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं एक्सेल से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सीधा कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे मैं कुछ भी इस सेल में लिख ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि सीरियल नंबर, एक डाटा तैयार कर लेते हैं सिंपली, नेम, ठीक है, रोल और मार्क्स। डाटा लिख लेने के बाद जो भी आपको डाटा बनाना हो वो डाटा हम बना ले रहे हैं। तो इस तरह से एक डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया है। तो अभी मुझे करना क्या है, सपोज मैं अभी बताने वाला हूँ किसी भी सेल के वैल्यू को एडिट कैसे करेंगे, यानी कि चेंज या उसमें कोई अल्टरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जाए जिस सेल में भी आपको चेंजिंग करना हो, जैसे मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब देखिए, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमारा सीरियल नंबर सेम हो गया है ना, तो 3 के बाद 4 होना चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस सेल पे क्लिक करता हूँ और सिंपली ये 1 डिजिट का है, इस पर फिर हम लोग ओवरराइट कुछ भी लिखना हो लिख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया 5 6 सॉरी 5 6 और यहाँ पर 7 और ये 8, ठीक है। इस तरह से बस क्लिक करना है और जो भी लिखना है उस पर लिख देना है। लेकिन ये तो रही बात कि पूरा का पूरा मैटर चेंज करना हो तो, ठीक है। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं नहीं, इसका नाम अमन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस ए लिख कर मैंने छोड़ दिया। अब रही बात, इसमें मुझे और भी कुछ ऐड करना है, ठीक है, मुझे इसमें और भी कुछ ऐड करना हो तो पहले चीज इस सेल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला बार पर जाकर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम लोग चेंज लिख सकते हैं। इस तरह से लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इस सेल में ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, उसी प्रकार से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मूला बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जो भी नाम लिखना था, मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिखने के बाद में अब पता चला कि नाम को मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी चेंजिंग करना है डिजिट चेंज करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये नाम हमारा चेंज हो गया। अब उसी प्रकार से किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए, इसे मान लें मुझे 1 डिजिट सिर्फ लास्ट वाला 23 के बदले 24 लिखना है, तो क्लिक किया, फॉर्मूला बार पर क्लिक किया और बैक स्पेस का प्रेस किया और जो भी चेंजिंग करना है लिख करके एंटर, ठीक है, देखिए हो गया।
और अभी मुझे क्या करना है, ये 65 में मुझे 75 करना है, तो अभी क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से 7 कर देना है और एंटर। तो देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ये तो पहला तरीका था कि हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करके उसे चेंज कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी सेल पर सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ से F2 बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग F2 बटन प्रेस करते हैं तो सेल में कुछ भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। 200 का मान लिए 220 लिखे फिर से, ठीक है, उसका एंटर प्रेस किए। ये दूसरा तरीका हो गया कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब फिर से मैं लिख दे रहा हूँ किसी को कि दिस इज एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है। अब दिस इज एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो लिखना था, तो अभी देखिए मुझे इसमें और भी क्या करना है कि मान लीजिए कि इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखना था, तो अभी क्या करेंगे कि इस पर सेल पर क्लिक करेंगे। पहला तरीका है कि जहां पर मुझे एडिटिंग करना है उसके पहले क्लिक कर लेंगे और यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, एडिटिंग हो गया। नहीं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि इस सेल पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर देंगे। और देखिए F2 बटन प्रेस करके जहां से भी हमें चेंजिंग करना है वहां से हम लोग चेंजिंग कर देंगे, ठीक है, हो गया एंटर। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम एक तरीके से इसमें और चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इस सेल में मुझे कुछ चेंजिंग करना हो तो इस सेल पे क्लिक किया और क्या करते हैं, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक करने से भी यहाँ पर ये कर्सर जो मेरा है ये देखिए ब्लिंक जो कर रहा है, ये कर्सर अगर ब्लिंक कर रहा है तभी हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस कर्सर को अभी हम मूव करते हैं और जहाँ से भी कर सकते हैं चेंजिंग वो हम चेंजिंग कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारा ये चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर हम किसी सेल में कुछ लिखे हो, ठीक है, अब रही बात कि इसे मैंने यहां लिखा, अब नीचे मैं कुछ लिख लेता हूं, मैंने लिखा प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अब फिर एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर देखना यह है कि मैंने लिखा प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं 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 ये यहां नहीं लिखना था, इसे कहीं और लिखना था, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको भी सेल को कंटेंट के सेल के कंटेंट को मूव करने का 2-3 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि हम इस पर क्लिक करेंगे और इस सेल के बॉर्डर पे आएंगे, ये बॉर्डर पे आ रहे हैं। यहां पर मैं फिर से अच्छे से बता रहा हूं कि जो भी सेल को पहले हमको मूव करना है उस सेल को चारों क्या अच्छे से सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान ली इस सेल की बात मैं कर रहा हूं और देखिए यहां पर इस कॉर्नर पे कहीं भी आएंगे, यहां छोड़ के ये वाला पार्ट कॉर्नर का ये वाला पार्ट छोड़कर, ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़कर कहीं भी हम लोग इतने दूर में कहीं भी इधर या ऊपर कहीं भी, ठीक है, बस ये वाला पार्ट छोड़कर हम लोग कहीं भी पॉइंटर को ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसे मूव करेंगे। करते कैसे हैं देखिए, अभी पहले मैंने बोला था जिसे मूव करना है सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने बोला अभी ये कॉर्नर पे नहीं क्लिक करना है। देखिए जैसे इस कॉर्नर पे ले जाते हैं ये सिर्फ एक प्लस का निशान बनता है, पॉइंटर हट जाता है। अब जब तक पॉइंटर हमारे पास नहीं होगा किसी भी चीज को हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने विंडोज की क्लास में आपको बताया था कि किसी चीज को मूव करने के लिए पॉइंटर को होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हैं, जस्ट उसी प्रकार से यहां देखिए अभी मैं यहां पर बॉर्डर पे जा रहा हूं तो एक प्लस का साइन बन रहा है साथ में पॉइंटर भी है। तो अभी हम लोग लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हुए क्लिक करके प्रेस करते हुए यहां से ड्रैग करेंगे,
और जहां पर भी ले जाकर के ड्रॉप करना है वहां छोड़ दीजिए। देखिए ये हमारा सेल का सारा कंटेंट्स यहां मूव हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से दूसरा तरीका है कि ये वाला वैल्यू को हम हटा करके क्या करना चाहते हैं, यहां लिखना चाहते हैं। तो इस सेल का पहला तरीका, इस सेल के वैल्यू को पॉइंटर को ले जाएंगे बॉर्डर पे, प्लस का साइन बनेगा, क्लिक करते हुए इसे ड्रैग कर देंगे, जहां ले जाकर छोड़ना है छोड़ देंगे। और दूसरा तरीका है कि फिर से मैं चाहता हूं इसे यहां से यहां कर देना, तो दूसरा तरीका यह है इस सेल पर क्लिक करेंगे और एक शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस यक्स, ठीक है, उसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यक्स को, और जहां पर भी आपको रखना है वहां पर कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा देखिए मूव हो चुका है, यहां से यहां आ गया। ऐसा नहीं सिर्फ एक सेल को ही, मान ली इतने सारे सभी सेल को मुझे दूसरे इस कॉलम में शिफ्ट कर देना है, तो मुझे करना क्या होगा, पहले सभी सेल को पॉइंटर यानी माउस को ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पर क्या करते हैं क्लिक करते हैं जहाँ भी पेस्ट करना हो, और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे। देखिए सारा का सारा सेल मूव हो चुका है, लेकिन फिर से अगर मुझे इसे इसी में मूव करना हो तो बस इसी प्रकार से पॉइंटर को ले जाना है, ठीक है, बॉर्डर पे प्लस का साइन बनेगा और इसे क्लिक करते हुए ड्रैग करके छोड़ देना है। तो देखिए कितना सिंपल था कि सेल में चेंजिंग करना और किसी भी सेल के कंटेंट को मूव करना, ठीक है। और इसका एक सिंपल तरीका और भी है कि अगर शॉर्ट की आपको याद ना हो तो सेल पे को क्लिक करें यानी सिलेक्ट करें क्लिक करते हुए, और यहाँ पर से टूल बार है, देखिए ये कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नोटपैड के सीरीज में बताया था, कट करते हैं और यहाँ पर आकर जहाँ पेस्ट करना हो क्लिक किया, और यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन पे मुझे क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, है ना, ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो वो चीज़ वहाँ से यानी ये चीज़ यहाँ से इस सेल से मूव होकर के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इस सेल में आ गया, ठीक है। तो ये कितना सिंपल है कि किसी भी सेल को एडिट करना यानी कि सेल के कंटेंट वैल्यू को चेंज करना और उसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। तो आज उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे जा करके एक्सेल में हर एक फॉर्मूले को बारीकी से जान पाएंगे और हर एक चीज़ों को बारीकी से उस पर काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ इससे रिलेटेड एक्सेल का पार्ट वन पार्ट टू जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक बने रहें स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।